पहले हिजबुल्ला चीफ और फिर हमास नेता को ढेर करने के बाद भी इसराइल की मुश्किलें खत्म होने का नाम नहीं ले रही हैं। ईरान समर्थित प्रॉक्सी गुट लगातार इसराइल और उसके कब्जे वाले इलाकों पर हमलावर है। ईरान और उसके चरमपंथी समूह बेलगाम होकर इसराइल पर हमला कर उसे दहला रहे हैं। अब इराक के प्रतिरोधी गुटों ने इसराइल पर हमलों का बीड़ा उठा लिया है, जिससे इसराइल के अलग अलग इलाकों में जबरदस्त नुकसान की खबरें सामने आई है। इराक के प्रतिरोध एक के बाद एक इसराइल पर हमलों की सीरीज चलाकर तनाव को बढ़ाने में लगा है। इसराइल के लेबनान में सैन्य घुसपैठ शुरू होने के बाद से इराक के प्रतिरोध गुट एक्टिव हो गए हैं। समूह के लड़ाके इसराइल के हर एक कोने पर ड्रोन रॉकेटों की बौछार कर रहे हैं। इराक के इस्लामिक प्रतिरोध ने रविवार को दावा किया कि उसने कब्जे वाली जॉर्डन वैली में इसराइल से जुड़े एक महत्वपूर्ण टारगेट के खिलाफ ड्रोन हमला किया। लड़ाके यहीं नहीं रुके, उन्होंने ड्रोन से इजरायली कब्जे वाले गोलान में भी एक टारगेट को हिट किया। समूह ने अपने दावे की पुष्टि के लिए एक लॉन्चिंग का वीडियो भी शेयर किया है, जिसमें एक ड्रोन को दिखाया गया है। उस पर इजरायल के खिलाफ धमकी भरा संदेश लिखा हुआ है। इसके बाद लड़ाके इजरायल की ओर उस ड्रोन को दागते दिखते हैं। इस्लामिक प्रतिरोध ने अपने ऑपरेशन को सफल करार देते हुए बताया कि ये ऑपरेशन इजरायल के खिलाफ और फिलिस्तीन और लेबनान में हमारे लोगों के समर्थन में चल रहे प्रतिरोध का हिस्सा है। यह बच्चों, महिलाओं और बुजुर्गों समेत नागरिकों के खिलाफ इसराइल के किए गए नरसंहारों का भी जवाब है। समूह ने चेतावनी भरे लहजे में कहा कि इजरायली ठिकानों के खिलाफ लड़ाकों का ऑपरेशन लगातार जारी रहेगा, हमले निरंतर गति से जारी रहेंगे। वहीं इराकी प्रतिरोध के दावों पर इजरायली मीडिया आउटलेट्स ने भी बड़ा खुलासा किया है, जो समूह के उस दावे को गलत ठहराता है, जिसमें कहा गया था कि हमला अपने अंजाम तक पहुंचने में सफल रहा। इजरायली मीडिया ने बताया कि तड़के रविवार इराक के इस्लामिक प्रतिरोध ने गोलान हाइट्स में एक महत्वपूर्ण इजरायली टारगेट को निशाना बनाकर हमला किया। हालांकि पूर्व से आ रहे एक ड्रोन को दक्षिणी गोलान हाइट्स में इसराइल के एयर डिफेंस सिस्टम ने रोक दिया और हवा में मार गिराया। इससे एक दिन पहले इराक के इस्लामिक प्रतिरोध ने इसराइल के अल रश्रा शहर में एक महत्वपूर्ण साइट को निशाना बनाने का दावा किया, जिसे इलात के नाम से भी जाना जाता है। इजरायली न्यूज एजेंसी हदाशोट हमोट की माने तो एक ड्रोन में ब्लास्ट से गोलान हाइट्स में एक बड़ा विस्फोट सुना गया, जबकि एक अन्य ड्रोन इलाके में उड़ता हुआ देखा गया। इराकी प्रतिरोध ने पहले ड्रोन से एक महत्वपूर्ण ठिकाने को निशाना बनाने की जिम्मेदारी ली थी। बीते शुक्रवार को इराकी प्रतिरोध ने ड्रोन से उत्तरी कब्जे वाले फिलिस्तीन में एक महत्वपूर्ण लक्ष्य पर हमला किया। इराक में इस्लामिक प्रतिरोध ने गुरुवार को दावा किया कि उन्होंने कब्जे वाले फिलिस्तीन में दो इजरायली साइटों को निशाना बनाया। इससे जुड़े एक वीडियो फुटेज में हिजबुल्ला चीफ हसन नसरल्लाह की तस्वीर दिखाई गई, साथ ही लेबनानी और फिलिस्तीनी झंडे भी दिखाए गए। या